जी दोस्तों, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, बहुत ही इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है कि हर कोई यहाँ पे यूट्यूब पे जो भी लोग आते हैं, एक सक्सेसफुल यूट्यूबर बनने के लिए आते हैं, नो डाउट वो काफ़ी पैसा कमाने के लिए आते हैं, उनके सपने काफ़ी बड़े होते हैं, वही लोग यहाँ पे आते हैं लेकिन सब सक्सेसफुल नहीं हो पाते हैं। आखिर ये सवाल उठता है कि ऐसा क्या चीज़ है जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है यहाँ पे सक्सेस होने के लिए। काफ़ी इम्पोर्टेंट सवाल है, सोच सकते हैं कि क्या इम्पोर्टेंट है। इतने सारे लोग जो सक्सेस हुए, उन लोगों में क्या स्पेशलिटी थी कि वो सक्सेसफुल हो गए, और बहुत सारे लोग ऐसे आए जो आए और गए, आया राम और गया राम, ये स्थिति क्यों हो गया? तो आपके साथ वो स्थिति ना हो, इसीलिए मैं इस सब्जेक्ट को रख रहा हूँ, इस टॉपिक को रख रहा हूँ कि सबसे इम्पोर्टेंट क्या है। जहां तक मैं समझता हूँ कि इस सब्जेक्ट पे काफी गंभीरता से सोचने की आवश्यकता है। अगर आज आपने नहीं सोचा तो फिर आप उन्हीं लोगों की लिस्ट में शामिल होंगे जो आया राम और गया राम, तो मैं नहीं चाहता कि वो चीज आपके साथ हो। तो जो लोग यूट्यूब पे ज्यादा समय तक काम करते हैं उन्हें धीरे धीरे पता चलने लगता है। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज क्या है? तो सबसे इम्पोर्टेंट पहला, जब आप यूट्यूब पे आते हैं, आपके ड्रीम काफी बड़े होते हैं, आप बहुत कुछ तुरंत पाना चाहते हैं, तो तुरंत यहाँ कुछ भी पाया नहीं जा सकता। रातों रात कोई भी अमीर नहीं बना है यहाँ पे। एक चीज आप अपने दिमाग में डाल लें, सबसे पहला चीज है, आप कहीं भी जाते हैं तो गॉड से प्रे करते हैं। कहीं भी आप अच्छे जगह में जाते हैं, आपके कोई नया घर में जाते हैं तो वहां पे पूजा होता है, इसीलिए आप जब यहाँ पे आते हैं तो सबसे पहला चीज है आप गॉड पे ब्लाइंड फेथ कीजिए। गॉड पे ब्लाइंड फेथ कीजिए। आप यहाँ पे आए हैं तो जरूर कोई रीजन है, आप सक्सेसफुल होंगे। ये चीज सबसे पहले अपने दिमाग में डाल लीजिए, फेथ कीजिए कि आपको ऊपर वाला जरूर मदद करेगा, पहली बात। दूसरी बात जो इंपॉर्टेंट चीज है, एक इंपॉर्टेंट चीज बतलाएं, दूसरा इंपॉर्टेंट चीज है, आप खुद पे फेथ कीजिए, खुद पे कि आप कर सकते हैं। आप उन लोगों की तरह नहीं है जो आए और चले गए, आप आए हैं तो कुछ करेंगे। इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, आप खुद पे फेथ कीजिए। उसके बाद आपके पास सारा इक्विपमेंट है। मैं इक्विपमेंट के बारे में यहाँ पे नहीं बतला रहा हूँ, क्योंकि अगर एक लाइन में बतलाऊं तो आपके पास एक अच्छा मोबाइल होगा। आजकल हर बच्चे के हाथों में ये जो मोबाइल जिससे मैं बनाता हूँ उससे अच्छा मोबाइल रहता है। हर किसी के मोबाइल में बैलेंस होता है, ये सारी चीजें आज के समय में कोई यूट्यूब चैनल चला रहा है या नहीं चला रहा उसके पास होता ही है। तो फिर इसीलिए मैं इसके बारे में बात नहीं कर रहा हूँ, आपके पास भी होगा। तो ये सारी चीजें होने के बावजूद वो सारा डाटा, वो बैलेंस जो होता है आपके पास, अगर नहीं बनाते हैं वो सारा का सारा खत्म हो जाएगा, ऐसे भी खत्म होने वाला है। अगर बनाते हैं तो कुछ ना कुछ तो उसका आपको प्रॉफिट मिलेगा ही। तो इसीलिए आप आते हैं यहाँ पे, क्रिएट करते हैं चैनल को, आपको गॉड पे भरोसा है, खुद पे भरोसा है, तो फिर आप सक्सेसफुल होंगे, कोई नहीं रोक सकता। आप एक ऐसा कंटेंट चुनिए, इंपॉर्टेंट चीज ये भी है, एक ऐसा कंटेंट चुनिए जो आप उसको सबसे ज्यादा अच्छी तरह से कर सकते हैं, उस पर ज्यादा अच्छा वीडियो बना सकते हैं, उस पर ज्यादा अच्छा बोल सकते हैं, आप उसको मतलब बहुत लंबे समय तक लेकर चल सकते हैं। तो ऐसा कंटेंट लीजिए, और आपको यहाँ पे टिकना है, ना कि आपको यहाँ पे कुछ भी प्रॉब्लम आया, ये चीज तो होता है। सबसे ज्यादा एक इंपॉर्टेंट चीज ये भी है कि आपको जब ज्यादा प्रॉब्लम आता है इस तरह का, कुछ ऐसा लगने लगता है कि चलो अब सब्सक्राइबर नहीं बढ़ रहा है, व्यूज नहीं बढ़ रहा है, सब वॉच टाइम जो है गिरते जा रहा है, इस तरह का जब सिचुएशन आता है तो ऐसा लगता है, एक टाइम ऐसा लगता है कि बस सब खत्म हो गया। वही समय आपको टिकना है। उस समय टिक गए, वही समय जो टिका है वही सक्सेसफुल हुआ है। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, जो उस समय को झेल लिया उसे सक्सेसफुल होने से कोई नहीं रोक सकता, वही लोग आज सक्सेसफुल है। तो बस यही मूल मंत्र है, आप गॉड पे विश्वास कीजिए, खुद पे विश्वास कीजिए, और जब मोस्ट क्रिटिकल टाइम आता है उस समय आप टिके रहिए, आपको हटना नहीं है। इतना चीज अगर आप कर लिए तो आपको एक सक्सेसफुल यूट्यूबर बनने से कोई नहीं रोक सकता। उम्मीद करता हूँ हमारा ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा, आप लोगों को इससे मदद मिलेगा। तो इसी तरह का एक और न्यू टॉपिक लेकर मैं आपसे मिलूंगा। हमारे चैनल में आप बने रहिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, और बहुत जल्द फिर मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगा। तब तक के लिए जय हिंद, गुड बाय।